विकास होना चाहिए और गांव में उद्योग शुरू होने चाहिए। उद्योग वहीं शुरू होते हैं, व्यापार वहीं बढ़ता है जहां वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन होता है। बिजली चाहिए, पानी चाहिए, टेलीकम्युनिकेशन के साधन चाहिए और रास्ते चाहिए। मैंने अपने ऑफिस में अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ केनेडी जी का एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट लिखकर रखा हुआ है। जॉन एफ केनेडी ने कहा, क्या कहा था? उन्होंने कहा था, अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। रोड अच्छे बनने से समृद्धता और संपन्नता आती है। मैं आपकी तेलंगाना राज्य में 2 लाख करोड़ के रोड बना रहा हूं, 2 लाख करोड़ के। आप किसी भी जिले में जाइए, सब जगह काम शुरू है। केवल रोड नहीं बना रहा हूं तो मैं एक्सप्रेस हाईवे बना रहा हूं, ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे। हमारे यहां मंचेरियल से लेकर अरमूर तक 132 किलोमीटर, 5,200 करोड़ रुपए खर्चा करके मैंने काम शुरू किया है, जिससे ये दूरी कम से कम 25 किलोमीटर कम हो जाएगी। और जहां यात्रा के लिए 4 घंटे लगते थे, वो 1.5 घंटे में काम हो जाएगा। और सिंगरौली कैलरीज, बेलमपल्ली, कोल केमिकल कॉम्प्लेक्स नियर मंचेरियल, एसीसी सीमेंट फैक्ट्री, सबको एक अच्छी कनेक्टिविटी होगी। मैं नागपुर से विजयवाड़ा एक्सप्रेस हाईवे बना रहा हूं, इसकी लागत 15,000 करोड़ रुपए है, 401 किलोमीटर है और ये कॉरिडोर नागपुर से विजयवाड़ा के बीच बेटर कनेक्टिविटी देगा। इसमें से कालेश्वरम मंदिर, हजार स्तंभ मंदिर, भद्रकाली मंदिर, रामप्पा मंदिर, कुरावी वीरभद्रा स्वामी मंदिर, इसको कनेक्टिविटी मिलेगी। हमारे हैदराबाद से रायपुर तक हम हाईवे बना रहे, काफी काम हो चुका है। ये 335 किलोमीटर का है, इसकी लागत 12,000 करोड़ रुपए है, इसकी लंबाई जो है वो 65 किलोमीटर आपके इसमें आती है। और मेरा विश्वास है कि ये भी हाईवे तेलंगाना के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। जो आपके विकास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हाईवे है वो इंदौर से हैदराबाद है। ये 525 किलोमीटर 15,000 करोड़ की लागत की योजना है। परियोजना में लंबाई 136 किलोमीटर है, 3 पैकेज 5,000 करोड़ की है। तेलंगाना, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बीच इसके कारण ट्रैफिक में तेजी आएगी। हैदराबाद और नांदेड़ के बीच का समय अभी जो लगता है वो आधा हो जाएगा। अभी कितना लगता है? आधा हो जाएगा। इंदौर से हैदराबाद का समय 12 घंटे से घटकर केवल 5 घंटे हो जाएगा। मुझे विश्वास है नागपुर विजयवाड़ा, हैदराबाद विशाखापट्टनम, हिंदौर हैदराबाद, सोलापुर कर्नूल चेन्नई, हैदराबाद रायपुर, ये पूरे तरह से केवल तेलंगाना में हम कम से कम 60,000 करोड़ रुपए के हाईवे बना रहे। ये तो हम लोग अपने भाषण में कहते थे कश्मीर से कन्याकुमारी तक। आप कभी मनाली में गए होंगे, हिमाचल प्रदेश में, मनाली के बाद रोहतांग पास जाना पड़ता है, हिमालय के ऊपर